देश भर में मॉनसून से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर मुंबई में भी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक यूं ही बारिश जारी रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, बारिश से कई इलाके बने समंदर। महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से हो रही बारिश ने मुंबई जैसे शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बारिश ने जहां मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की रफ्तार रोकी, वहीं ऑटो या टैक्सी से ऑफिस जाने वालों को पैदल ही रास्तों पर चलना पड़ा। बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया। मूसलाधार बारिश से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक की सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह ठप रहा। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक राज्य में मानसून के सबसे ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान लगाया है। इसका सबसे अधिक असर कोकण और मध्य महाराष्ट्र पर पड़ेगा। भारी बारिश के मद्देनजर महाराष्ट्र में कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पालघर, नासिक, पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण, सतारा, कोल्हापुर में रेड अलर्ट है। रत्नागिरी और रायगढ़ रेड अलर्ट पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। कुंडलिका नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। अंबा, सावित्री, पताल गंगा, उल्हास और गढ़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों को भारी बारिश की चेतावनी वाले इलाकों में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को खतरे वाले इलाकों से हटाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।